हे गाइस व्हाट्स अप एवरीवन। सो गाइस मेरे हाथ में जो कैमरा है वो है MI का 1080p होम सिक्योरिटी कैमरा। सो गाइस ये एक 360 डिग्री होम सिक्योरिटी कैमरा है एंड इसका जो प्राइस है वो है 2700 to 2800 रुपीज़ के बीच में। सो गाइस इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू दूंगा। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं हम अनबॉक्सिंग के साथ एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। ओके गाइस, सो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो मिलती है इसकी यूज़र मैनुअल। नेक्स्ट हमें एक बॉक्स मिलता है, उसके अंदर थोड़े कंटेंट्स है एंड जो नेक्स्ट आता है हमारे हाथ में वो आता है हमारा MI का होम सिक्योरिटी कैमरा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है दिखने में, यानी कि आप अपने घर पर इसको रखते हैं तो ये कोई भी एंगल से गंदा नहीं दिखेगा। एंड पीछे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्पीकर का ओपनिंग था। एंड गाइज देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। सो गाइज ये बॉक्स में हमें मिलती है एक चार्जिंग केबल। ओके सो ये जैसे कि आप ये केबल पा रहे हैं ये एक नॉर्मल USB केबल है एंड काफ़ी लॉन्ग केबल है। ओके सो गाइज दूसरी चीज़ मिलती है हमें मिलती है इसका USB चार्जर। सो गाइज एक चीज़ आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये जो कैमरा है ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी गई तो ये कैमरा भी ऑफ हो जाएगा। सो गाइस दूसरी चीज़ हमें एक प्लास्टिक का पार्ट मिलता है, ये मोस्ट प्रोबेबली इसे वॉल पे लगाने के लिए है। एंड उसके अलावा गाइस हमें दो स्क्रूज मिल जाते हैं ताकि हम इस कैमरा को वॉल पे लगा पाएँ। सो गाइस ये जो प्लास्टिक पार्ट है ये कुछ इस तरीके से कैमरा के पीछे फिट होगा। एंड गाइस जो स्क्रूज दिए गए हैं वो इस प्लास्टिक पार्ट के ऊपर लगेंगे। सो गाइस आप इस तरीके से स्क्रूज को डाल के ये प्लास्टिक पार्ट को फिट करके अपने कैमरा को वॉल पे माउंट कर सकते हैं। सो गाइस बैक साइड पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कैमरा में एक छोटा स्पीकर लगा हुआ है एंड फ्रंट साइड में ये माइक है। सो आप इसे एक इंटरकॉम की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस जो वायर दी गई है इसके साथ जो चार्जिंग केबल है वो उसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर्स। सो गाइस अभी मैं आपको सेटअप के बारे में बताता हूँ। सो गाइस सबसे पहली चीज़ आपको MI का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको लॉगिन ID और पासवर्ड से साइन इन करना है। सो गाइस आप साइन इन करने के बाद आपको ये ऐड का बटन दबाना है एंड अपने कैमरा को टर्न ऑन करना है। सो गाइस जैसे ही आप टर्न ऑन करेंगे आपको ये डिवाइस दिखेगा बाजू में, आप अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बाद में गाइस आपको जो है अपने कैमरा को अपने फ़ोन के सामने रखना है जिससे कि ये जो QR कोड है वो स्कैन हो जाएगा एंड अपने कैमरा को आप एक्सेस कर पाओगे। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसे जो है सेटअप करना वो काफ़ी ईजी था। मेरा जो कैमरा है वो सेटअप हो चुका है एंड मेरा जो कैमरा है वो लाइव आ चुका है। सो गाइस इसकी जो ऐप है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये जो आप कंट्रोल्स देख पा रहे हैं इससे आप अपने कैमरा को कंट्रोल कर पाएंगे एंड कैमरा जब भी 360 डिग्री रोटेट करता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। सो गाइस सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कैमरा है इसके साथ आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलता है एंड उसके अलावा भी गाइस ये जो कैमरा है ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगा। सो गाइस कभी भी आपका जब भी पावर आउटेज हो जाएगा तो ये कैमरा काम करना बंद कर देगा, इसे कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रहती है। ओके गाइस नाइट विजन की बात करें तो इसके अंदर लगे हैं इंफ्रारेड सेंसर्स। सो गाइस इसका जो नाइट विजन है वो कमाल का है। जो ऊपर आप एक ब्लैक बॉक्स देख पा रहे हैं वो उधर मैंने अपना एक मोबाइल माउंट किया है एंड उसमें से रिकॉर्डिंग हो रही है और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे मोबाइल के कैमरा से। हाउएवर अगर आप MI के कैमरा की बात करें तो इसकी जो रिकॉर्डिंग की जो क्लैरिटी है नाइट में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस नाइट मोड में ये कैमरा का जवाब नहीं। सो गाइस ये कैमरा के फीचर्स तो काफ़ी सारे हैं एंड ये जो एक फीचर है ये फीचर में आप जो है इसका स्टेटस लाइट है वो ऑफ कर सकते हैं एंड कैमरा जो है वो फिर भी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। सो गाइस इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको जानना है कि कोई कैमरा के ऑफ होने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई वर्कर्स है एंड आपको लगता है कि कैमरा ऑफ होने के बाद वो कुछ चोरी वोरी कर रहे हैं तो गाइज़ आप ये स्टेटस लाइट को ऑफ कर सकते हैं एंड उसके बाद भी ये कैमरा रिकॉर्ड करते रहेगा जबकि उनको लगेगा कि कैमरा जो है वो रिकॉर्डिंग बंद कर चुका है।
ओके गाइस, सो मुझे ये कैमरा तो काफ़ी पसंद आया है, एंड अगर मैं नंबर दूँ तो ये कैमरा को मैं 8 out of 10 दूंगा। सो गाइस, ये जो कैमरा है वो बहुत इजी टू यूज़ है, एंड इसमें आपको कोई DVR के लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसे ऑन करके, डायरेक्टली पावर कनेक्शन देके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड आप अपने MI ऐप से सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो इसके जो थोड़े ड्रॉबैक्स भी है, इसके एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी नहीं आती है, ना ही इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी आती है। सो गाइस, जो कभी आपका पावर चले जाए तो ये कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करना बंद कर देगा, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। अगर कोई छोटी बैटरी भी होती इसके अंदर तो काम बन जाता। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि आपको मेमोरी कार्ड जो है वो इसके साथ नहीं मिलता है। सो अगर आप इसकी फुल कैपेबिलिटी यूज़ करना है आपको, तो आपको 64 GB का मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा, वो भी क्लास 10, जो कि थोड़े महंगे आते हैं। सो गाइस, आपको 1000 rupees एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा आपके मेमोरी कार्ड के ऊपर। हाउएवर गाइस, मुझे लगता है कि इतना स्पेंड करने के बाद भी ये कैमरा काफ़ी अच्छी डील है। सो गाइज़, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये कैमरा को परचेज़ कर सकते हैं, MI की तरफ से काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। सो गाइज़, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है ये कैमरा के बारे में तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँ। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं सारी क्वेरीज का रिप्लाई करूँ। So thank you guys, see you, bye bye.